कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इन देशद्रोहों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आपने तीन दिन से लगातार देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भीख मंगे पाकिस्तान के पास जाके, भीख मांगो वहां जाकर के। एक तरफ गरीब के प्रति यह कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हो कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन देशद्रोहों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आपने तीन दिन से लगातार देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भीख मंगे पाकिस्तान के पास जाके, भीख मांगो वहां जाकर के। क्यों हिंदुस्तान के लोगों के जीवन पे बोझा बने हुए हो?